much fun in ages. What did you say your name was? तो भाई क्या हाल है सबके। देखो सबसे पहला चीज़ तुम लोग को पता है क्या करना है। सबसे पहले चैनल को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब और हाँ इसके पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हो मेमोरी GBA के तो उन सबको भी देख लेना। चलो तब तक के लिए गेम को स्टार्ट करते हैं। देखो आज का एपिसोड भाई कल का एपिसोड तो जो था थोड़ा छोटा था और यहाँ पे अभी हम लोग का मेन फोकस रहेगा सारा बैटल के ऊपर। अभी के लिए तो हम लोग को अपना जनरेशन 4 के पोकेमोन को कैच करना है, ठीक है। यहाँ तो इसका बैरी का पहला पोकेमोन स्टार एरिया तो अपना इसको ले आओ भाई स्वाम्पट को, क्योंकि इसका एवलेंच अटैक हम लोग करेंगे। अरे यार मिस हो गया मेरा अटैक, कोई नहीं एक बार और। चलो इसका स्टार एरिया गया, इसका सेकंड पोकेमोन गॉटल, ठीक है। इसके ऊपर फ्लेम थ्रोर, चलो एक बार में गया। हाँ इसके पास ब्यूजल है तो फिर से हम सोच रहे हैं ग्रास अटैक करें, कट अटैक में भी। हाँ चलो देखो इसके पास 4 था लेकिन 3 ही का बैटल देखा है और यहाँ पे भी बारी है अपना पोकेमोन कैच करने का। लेकिन बड़ा दिक्कत है कि मेरा यार लेवल कुछ ज़्यादा है, इसलिए हम डायरेक्ट पोकेबॉल ही फेंक के देखेंगे। पहला तो यार ट्रटविंग आया, ठीक है। ऐसे देखा जाए तो यार इसके ऊपर अटैक हम नहीं करना चाहेंगे। चलो एक बार पोकेबॉल ही फेंक के देखते हैं। पहले यहाँ पे क्विक सेव किए और सुपर बॉल, बस आ जाओ यार आ जाओ। चलो आ गया। यहाँ पे भाई इजी रहा कि भाई हम एक ट्रटविंग इजीली तरीका से कैच कर लिए, ठीक है। अब बारी है चिमचार। ओ मैन बहुत सही भाई बहुत सही। इसको पोकेबॉल फेंक के देखते हैं, क्विक सेव किए हुए ऐसे। अरे यार बार इसके बाद एक अटैक करते हैं, स्लैश अटैक नहीं ड्रैगन टाइप अटैक करेंगे तो ये फेंट हो जाए, स्लैश अटैक ही करते हैं। चलो थोड़ा सा तो बचा है HP, सही है। अब इसके ऊपर भाई हम पोकेबॉल फेंकेंगे क्योंकि जब बचा है तो कैच करना ईजी हो जाएगा। चलो भाई चिंचार भी आ गया यहाँ पे। अब देखा जाए यार इसका निकनेम ये सब नहीं देना यार, हम लोग को बस इवॉल्व करना है ये सबको। फिर से चिंचार, नहीं यार हमको पिंपलप चाहिए। कहाँ हो जल्दी से आ जाओ। अरे यार चिंचार सॉरी पिंपलप सॉरी। ये रहा इसके ऊपर भाई इसका लेवल ज़्यादा है 25 का ना, इसलिए स्लैश अटैक पहले किए। अब पोके बॉल फेंकते सॉरी ग्रेट बॉल। अरे यार बाहर निकल गया, फिर से फेंकेंगे। कम ऑन, चलो हो गया ये। देखो यहाँ पे 1 से 2 मिनट के अंदर में हमको जहाँ तक लगता है कि हम अपना पोकेमोन भी कैच कर लिए, यहाँ का बैटल भी कर लिए। अब बारी है हम लोग को यहाँ पे जो है ना जस्ट लाइक टीम रॉकेट का जो अड्डा था ना केंटो ईजन में, वही अड्डा सेम यहाँ पे भी है। लेकिन हाँ बड़ा बात ये है यहाँ पे कि यहाँ पे अपने सारे टीम रॉकेट के मेम्बर्स है। टीम रॉकेट के मेंबर्स लाइक जियोवानी भी है, टीम एक्वा, टीम मैग्मा, टीम गैलेक्टिक, यही सब के भी मेंबर है। और यहाँ पहले 2 बंदे ये लोग से देखते हैं, 1 मिनट यार बात करते हैं। नहीं ये लोग बैटल नहीं किया, 1 मिनट ये हम बोला ये लोग बैटल करता तो यहीं पे ही मेरा एक पोकेमोन तो इवॉल्व कर ही जाता। लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे मेन फोकस रहेगा पता है क्या, एक का बैटल देखो और सारा पहले इस जो फ्लोर का बंदा लोग हैं सबको फेंट करेंगे यानी डिफीट करेंगे। इसके पास रेटी कैट है ना, ठीक है फेंट फोर। चलो यहाँ तो अपना भाई ट्रटविंग, यहाँ देखो अभी डुअल इवॉल्व करने जा रहा है मेरा पोकेमोन। एक तो ट्रटविंग इवॉल्व कर रहा है और सेकंड वाला भाई साहब अपना ये पिंपलप इवॉल्व करने जा रहा है। चलो ट्रटविंग तो इवॉल्व करके ग्रॉटल बन गया और यहाँ अपना पिंपलप भी इवॉल्व करा, डुअल एवोल्यूशन भाई डुअल एवोल्यूशन। चलो बहुत सही भाई बहुत सही। और पिंपलप इवॉल्व करके प्रिंपलप बना भाई, ये लोग का नेम इतना सेम है ना कि पिंपलप बोल लो या प्रिंपलप जो भी सही है। और अब बारी है भाई अपना जो एक्सपीरियंस शेयर है इसे ले लेंगे प्रिंपलप से, बारी चिंचार को देने का क्योंकि अब उसका बारी है यार इवॉल्व करने का मुल्फर्नो में। चलो यार यहाँ पे सही है, हाइपो पोशन मिला हमको। चलो इस फ्लोर पे देखते हैं कितने बंदे हैं टीम रॉकेट के, मे भी एक नीचे तो दिख रहा है और 2 बंदे ऊपर।
और यहाँ आइटम भी है, तो चलो देखते हैं ले सकते हैं कि नहीं। यहाँ पहले बैटल वो बच गए। चलो आइटम में क्या है, सुपर पोशन, ठीक है, हाइपो पोशन भी मिला, सुपर पोशन भी मिला, और ये बंदा देख भी लिया। चल कोई नहीं, ऐसे इसको फेंट कर देंगे, इसके पास जूबैट है ना, ठीक है, सेंट्रोल अटैक। चलो यार, चिंचार तक इवॉल्व करने जा रहा है भाई, चिंचार इवॉल्व कर रहा है। देखो ऐसे बता दे, हम सच बात बताए तो यहाँ दो ट्रेनर को ही हरा करके मेरा चिंचार इवॉल्व कर गया था, लेकिन हम सोचे कि चारों को हरा देते, यहाँ पे चार बंदे थे, ठीक है, टीम रॉकेट का, टीम एक्वा, टीम मैग्मा और टीम गैलेक्टिक का बंदा। हो मैन, यहाँ पे चार चार बंदे बारी है। देखो अपना सारा पोकेमोन, जैसे जो जो कैच के पोकेमोन देख ही सकते थे, इवॉल्व कर गया है, और यहाँ पे एक मून स्टोन भी मिला। अब बारी है हम लोग का नीचे जाने का, ठीक है। अब यहाँ पे अपना जितना भी पोकेमोन था ना, वो लोग को रखा है पीछे में, और यहाँ पे अपने जो भी लीडर्स हैं ना, जैसे टीम एक्वा के, टीम मैग्मा, टीम गैलेक्टिक के, ये सब लीडर हैं यहाँ पे। ये तो टीम रॉकेट का एटलस है, इसको तो यार डिग अटैक कराएंगे, एक एक का ही बैटल देखेंगे यहाँ पे, ऐसे बता रहे थे तुम लोग को, क्योंकि लीडर है तो एक एक का बैटल दिखाना बनता भी यार, इतना स्क्रीन टाइम तो देना ही चाहिए। ये मॉर्गो लिख रहा था, तो मे बी मॉर्गो लिख रहा है तब तो ये इसका बंदा होगा, टीम मैग्मा का। चलो सही है, देखा जाए, हाँ टीम मैग्मा का बंदा है। इसके पास माइटी आना है, कोई नहीं, फ्लेम थ्रोअर अटैक करते हैं भाई साहब। चलो ये गया, अब बारी है सेकंड बैटल का। यहाँ पे पोकेबॉल, मैक्स ईथर, ठीक है, काफ़ी सही चीज़ दिया। और यार इसको ये जरूर टीम एक्वा होगा, क्योंकि जब टीम मैग्मा यहाँ था तो टीम एक्वा दूर थोड़ी रहेगा, वो भी आसपास ही रहता है। चलो इसको भी निपटा देते हैं। इसके बाद कौन सा, इसके पास भी है माइटी आना है पहला पोकेमोन, कोई ना, फ्लेम थ्रोअर। यार अलग पोकेमोन रखना चाहिए यार, अलग अलग टीम हो तो अलग अलग पोकेमोन भी तो रखो, थोड़ा सिग्नेचर। कोई नहीं, अब ये वाला बंदा शायद, अरे यार क्या नाम था इसका, टीम गैलेक्टिक, हाँ ये जो टीम गैलेक्टिक का होगा बंदा। चलो हाँ गैलेक्टिक ही है, स्नीजल, चलो सही है, कोई तो अलग पोकेमोन रखा है इसको, रो फ्लेम थ्रोअर करा दी। यहाँ पर मेरा देखा जाए स्टार्टिंग बैटल या चारी राड ही सारा कवर लिया है, कोई नहीं होता है। अब बारी है जीवानी का, चलो देखा जाए क्या कर सकता है जीवानी और क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि ये स्पेनिश लैंग्वेज, हम पहले बोल रहे थे कि पोर्तुगल है लेकिन नहीं, स्पेनिश है, इसलिए स्पेनिश भी उतना कुछ समझ में तो आता नहीं है। यहाँ पे स्पेनिश हो जाता है मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर, ऐसे कहा जाए तो उजला अक्षर। कोई नहीं, इसके ऊपर भाई पोकेमोन चेंज कर लिया अपना, और कट अटैक, चलो इजी टारगेट रहा जियोवानी भी। चलो भाई बहुत सही गया ये वाला एपिसोड तो अभी तक। और देखो अभी हम लोग को चलना है अपना जिम की ओर, ठीक है, क्योंकि हम हर एक एपिसोड में एक जिम कवर कर ले रहे हैं, क्योंकि भाई उतना बड़ा भी नहीं है, या बड़ा करना चाहेंगे तो हम बड़ा कर सकते, लेकिन क्या ही बोले, उतना बड़ा भी नहीं है, तो हम सोच रहे हैं कि कवर कर ही लेना चाहिए एक एक एपिसोड में, क्योंकि हम जल्दी से जल्दी इस गेम को कवर करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा गेम है। इसलिए हम अभी तक वो NDS वाला गेम नहीं खेला, हम सोचे कि इसको 2-3 एपिसोड और लगेगा, ख़त्म हो जाएगा ये, इसको ख़त्म करने के बाद ही स्टार्ट करेंगे। और ये वाला रूट भी बहुत लंबा है, और इसका पहला पोकेमोन बनेरी है, ठीक है, इसका बनेरी हरा दिए फ्रेंड की। यहाँ पे भाई तुम लोग आओगे ना, बहुत ज़्यादा ट्रेनर मिला, तो अपने पोकेमोन को भाई पीपी या बेरी जो होता है ना वो रख लेना, क्योंकि भाई बहुत काम आने वाला है वो तुम्हारा। यहाँ तो माइन जूनियर आया, माइन जूनियर से हम लोग को ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, हम लोग को भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेनर है, तो कोशिश करेंगे सब लोग को स्केप करने का ही, और जो कुछ बैटल होता है तो वो कर ही लेने का, क्या ही कर सकते हैं। कोई नहीं, यहाँ पे ड्रिफ ब्लिन, ठीक है यार, इसको पैक अटैक से ही हरा दिए, पैक अटैक था या फ्लाइंग अटैक था जो भी मान लो। और यहाँ भाई आइटम सर्च करो यार, कोई ना कोई आइटम मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, कोई आइटम नहीं मिल रहा हमको।
देखा जाए तो सिर्फ हमको पोकेमोन टीम रॉकेट का अड्डा पे ही आइटम मिला था। अरे एक पोकेबॉल लिख रहा है, एक मिनट, मैक्स रिपेल, ठीक है कम से कम कुछ तो मिला, कुछ नहीं सही थे कुछ तो मिला। और इधर भाई यहाँ भी कोई आइटम नहीं है, इधर भी नहीं, एक पोकेबॉल दिख रहा है यहाँ पे, एक कार्बोरेट या कार्बोस कह सकते हो, कार्बोरेट लिखा हुआ था, कार्बोस होगा वो। पीडब अपीयर हो रहा है लेकिन नहीं, कोई नहीं चाहिए हमको, पीडब नहीं चाहिए। और नीचे एक पोकेबॉल है जो कि हम लोग को जब सर्फ मिलेगा तभी यूज़ कर सकते हैं। चलो नर्स चॉइस है तो डुअल हील करवाए, क्योंकि भाई मेरा पोकेमोन का अच्छा खासा हालत ख़राब था। और यहाँ पे मैक्स पीपी मिला, अरे यार ये कौन है अब, ओ ग्लैडियन टीम सन एंड मून का बंदा। चलो इसके पास गोल बैट था, अपना एवलैंच अटैक से ये बेचारा गया। स्नीजल, तो इसको भाई क्लेंट हो अटैक। चलो भाई इसका थर्ड पोकेमोन टाइप नल था, ठीक है ना, उसका बैटल नहीं देखा, उसका थोड़ा सा लंबा हो रहा था इसलिए सोचे कि जान दो। और यहाँ पे एक बार और हील करवा रहे हम लोग अपने पोकेमोन को, हम लोग पता है कहाँ जाने वाले अभी। यहाँ पे एक बार पत्थर पहले चेक करें, पत्थर नहीं है ऐसे ग्रास का झाड़ उड़ कह सकते हो उसको, ये एक मेंशन, अरे यार पोकेमोन ईथर, चलो सही ऐसे बता देते, ये एक मेंशन है पोकेमोन मेंशन। अभी हम यहाँ पे पहले पोकेमोन देखना पसंद करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सा पोकेमोन मिलता है, ठीक ना, कुछ काम का मिलेगा तो भाई रखेंगे। और ये पोकेमोन काफ़ी सही, एक साइकिक फ्लाइंग पोकेमोन हो जाता है, लेकिन हम ढूंढ रहे कुछ अच्छा अच्छा पोकेमोन। यहाँ पे गोलेट अपीयर हुआ, गोलेट तो नहीं, गोलेट नहीं चाहिए। यहाँ नीचे जाने का रास्ता है, पहले देख लेते यहाँ हो क्या रहा है, ठीक ना, उसके बाद बताएंगे। अरे यार वो बैट हटाओ यार इसको। और यहाँ पे कैल्शियम मिला, हम सोच रहे इनसे पहले बैटल कर लो, इनसे बैटल करके यहाँ पे सब लोग से बैटल कर लेंगे फिर पता चलेगा। चलो इनके पास एक कलिंक, तो वाटर पल्स, चलो एक वाटर पल्स ही गया। देखो नीचे में क्या था तुम लोग को बता देते हैं, नीचे भाई बहुत सारा आइटम सब था, जैसे कि कैल्शियम कार्बोस पीपीएफ, और साथ ही साथ में तुम लोग को वहाँ दो, हमको यहाँ पे दो दो पोकेमोन मिले, एक तो सूडो लेजेंडरी एक्स्यू और एक ड्रैगोन, ठीक है। तुम लोग को कैच करने का मन हो तो कर सकते हो, और मेरे को तो नहीं चाहिए ड्रैगोन इसलिए हम नहीं किए ना एक्स्यू। और यहाँ पे बैटल हो रहा है तो ये सब को भी निपटा ही देंगे। अब थोड़े अच्छे पोकेमॉन्स हैं यहाँ पे ऐसे देखा जाए तो, तुम लोग को पसंद आएगा तो तुम लोग कर सकते हो, जैसे कि वो जो भी कुछ देर पहले फ्लाइंग और साइकिक वाला पोकेमॉन भी अपीयर हुआ तो वो भी काफ़ी सही पोकेमॉन था, लेकिन अपने पास चारी गार्ड है इसलिए हम नहीं उसको लिए, नहीं तो हम पक्का कैच कर सकते थे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब हम लोग को मेन काम नहीं है, अब मेरा मेन काम है ऊपर में, ठीक है। और ये बंदा शायद देख सकता है, देख भी लिया लेकिन इसको हरा भी लिए। यहाँ देखो यहाँ भी आइटम है, एक आइटम उठा लेना, ये आइटम का तो नहीं बता सकते क्या है, लेकिन इस लड़की से जरूर बात करना तुम लोग। देखो मेन काम रहेगा यहाँ पे आने का तुम लोग का, कि यहाँ पे हम लोग को मिलता है HM02 यानी कि फ्लाई, काफ़ी भयंकर बात है भाई, फ्लाई यहाँ पे मिल रहा है मेंशन में। चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं, और न चॉइस हम लोग हीट भी करा लिया अपने पोकेमोन्स को, हम लोग को चलना है अपने नेक्स्ट रूट में, जहाँ पे हम लोग को जिम कवर करना है, ठीक है। और ये वाला रूट 13 आ गया, देखो जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना में तो मेंशन पे ही गेम सेफ कर देते, लेकिन नहीं हम सोचे कि जब जिम कवर करना है तो करना है। यहाँ पे बाइकर गैंग वाले बंदे हैं, चलो यहाँ पे सबसे लड़ ही लेते हैं, एक का तो बैटल दिखाना है, कौन सा पूरा का पूरा जहान का बैटल दिखाना है। सैंडाइल है, कोई दिक्कत नहीं, एक वाटर पल्स से तो बेचारा गया। देखो यहाँ पे हम पूरा लोग को हरा दिए, हम लोग का अभी जाना ऊपर के साइड है, लेकिन हम लोग इस साइड जाएंगे क्योंकि यहाँ पे मिल जाती है जो कालोश रीजन की जो पोके ट्यूबर में भी कहा जाता था कुछ वैसा, जो अपना पता नहीं वीडियो बनाता नहीं था टिकटॉक जैसा नाचने गाने वाला वही सब, तो इस बंदी के साथ बैटल होता है। इसके पास डल कैटी है, फिर डल फॉक्स है, तो डल फॉक्स के ऊपर बाइडी का अटैक करेंगे। चलो यार इसका अटैक मिस हुआ, लेकिन इसका पहला वाला अटैक लग गया था शाइकिक, कोई नहीं
चलो इसको भी हरा दीजिए, कार्लोस स्टीजन से है ये। और देखो यहाँ पे हम बता दे रहे रूट 17 में हम किसी से नहीं लड़ने वाले, क्योंकि फालतू का लंबा होता है वैसे वीडियो। हम थोड़ा सा यहाँ पे स्केप करेंगे, हम ऑफ स्क्रीन आके भले लड़ लेंगे लेकिन ऑन स्क्रीन नहीं लड़ेंगे। और यहाँ पे कुछ वैसा है नहीं, हमको ऊपर के साइड ही जाना है, ठीक ना। और चलो देखो यहाँ पे सब लोग से लड़े हुए हैं रूट 15, और ऊपर के साइड में भाई यहाँ पे बैटल कर सकते हो तुम लोग, लेकिन मेरा मानो तो ज़्यादा बैटल करने का जरूरत भी नहीं है। हाँ पोकेमॉन अच्छे खासे लेवल के नहीं है तो कर लो, लेकिन है तो भाई क्या ज़रूरत है। और ये नीचे बंदा है भाई, ये पक्का देखेगा, हम तो भाई इसके साथ बैटल स्केप करने वाले। और यहाँ आ गई भाई अपनी राइवल, पिछले ही एपिसोड में ये मेरे साथ लड़ी है, हारी है, लेकिन कोई नहीं अभी भी आ गई है, तो अभी भी इसको हरा ही देंगे जब आई है। तो सेल्वियन हम सोच रहे हैं इसके ऊपर ग्रास टाइप अटैक यानी कट अटैक, चलो ये कट अटैक से ही साफ हो गई। मिमिक्यू तो फ्लेंट फोर बच गया। ओहो मेरा अटैक कॉपी किया है, ठीक है डिग अटैक करते हैं, डिग अटैक, चलो सही है इसका मिमिक्यू गया। अरे यार टीजी के कारण हम गड़बड़ी करती है, हमको फ्लेंट फोर चलाना चाहिए था सरीना का प्रिय एवोल्यूशन के ऊपर। चलो भाई ये तो गया, और ये भाई हम लोग को क्या देके जाती है, HMO 2 भी मिला, HMO सर्व भी मिला, HMO 3 यानी सर्व, काफ़ी सही भाई काफ़ी सही। अब बारी है भाई मेरा, अभी देखो अभी मेरा फोकस है, ये लगता है सिटी है पोकेमॉन सेंटर की तरह भाई, अपने पोकेमॉन को हमको एक बार हील करवाना है पहले, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। यहाँ तो नहीं साइड ऊपर के साइड होगा तब, ऐसे ये सब घर हम देखेंगे ऑफ स्क्रीन ही देखेंगे, ऑन स्क्रीन नहीं। ये रहा पोकेमॉन सेंटर, चलो अपने पोकेमॉन्स को हील्ड करवाते हैं। और यहाँ का जिम देखते हैं कैसा जिम है, कौन सा टाइपिंग का जिम है, कि हम लोग चैलेंज कर सके उसको। किधर गया भाई, एक मिनट, ओह ये वो वाला एरिया है जी, हम लोग जो सफारी जोन में भी जो जिसको नहीं कहा जाता था, ये लगता वही एरिया है। गारंटी लेते हैं, अब हम गारंटी ले रहे हैं ये वही एरिया है। और ये एक मिनट, ये देख लिया, हमको पता भी नहीं चला चलने दिया कि कौन सा जूम है। गार्बोडोर है, ये पॉइजन टाइप जूम है क्या, पॉइजन टाइप पोकेमॉन अपीयर हुआ है, तो हम सोच रहे डिग अटैक करके इसको साफ कर देते हैं। चलो सही है, ये तो गया। अब बारी है, हाँ भाई ये पॉइजन टाइप जिम है क्योंकि यहाँ पर रॉक्सी है जिम लीडर, तो कोई नहीं चलो हम लोग बैटल करते हैं अपना जिम बैटल, और इसको फेंट करते हैं जल्दी से, इसको डिफीट करते हैं। इसके पास मक है तो यार अपना डिग अटैक काफ़ी सही रहेगा यहाँ पे। कम ऑन, अरे यार बच गया। ये थंडर टाइप अटैक भी करता है, पैरालाइज भी कर दिया यार, फ्लेम थोड़ा सा बस ये साफ हो जाए। अरे यार हाइपर पोशन दे रहा है, चल कोई नहीं एक और फ्लेम थ्रोअर बस मेरा लग जाए ना। बहुत सही भाई, चारिज़ार्ड अपना भाई ओपी है यार, चारिज़ार्ड रॉक्स। वीजिंग है तो यार इसके ऊपर जो अपना साइकिक अटैक करेंगे, मे भी हमको नहीं पता है कि साइकिक अटैक कौन सा साइड, जेन हेडबट हो सकता है लेकिन हम कह नहीं सकते साइड। चलो इसका वीजिंग गया, इसका थर्ड पोकेमॉन क्रोबैट है, तो एवलांच ये कौन सा मूव किया, शायद ब्रेव बर्ड में भी वैसा ही मूव। चलो इसको हरा दिए, रॉक्सी को भी भाई हम लोग डिफीट कर दिए आराम से। और देख के लग नहीं रहा है कि एपिसोड थोड़ा सा हाँ ज़्यादा ये गया है, 1 से 1.5 घंटा का तो गया एपिसोड, लेकिन कोई नहीं सब चलता है यार उन लोग के लिए। और अभी से भाई देखो जिम यहाँ लड़ लिए, सब कुछ कर लिए, तो अब चाहेंगे क्या, तुम लोग को जो बोल रहे हैं वो कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसके पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हो सबको चेकआउट कर लेना। तब तक के लिए भाई हम लोग गेम को सेव कर रहे हैं, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में।